पाकिस्तान की हालत पहले से ही खराब थी। फिर खबर आई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स अपने साथ सेल्फी खिंचवाने और डिनर करने के $25 यानी कि ₹2,000 चार्ज कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और USA का मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान हार गया। अमेरिका के खिलाफ मिली इस हार के बाद से ही लोग इन पर खूब बरस रहे हैं। फैंस और क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान को खूब सुनाया और इसी बीच मौके का फायदा उठाकर मशहूर कॉमेडियन अनवर मकसूद ने पाकिस्तान टीम के मजे ले लिए। मकसूद ने इस हार पर कमेंट करते हुए कहा कि पाकिस्तान वाले मैच हार गए क्योंकि उन्हें IMF यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन चाहिए। IMF ऐसी संस्था है जो जरूरतमंद देशों को लोन देती है। मकसूद ने कहा IMF से अभी कर्जा मिलना है, मेरे ख्याल से ये भी शर्त होगी कि अमेरिका से हारो फिर पैसे देंगे, वरना हारने की और कोई वजह समझ नहीं आती। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने पाकिस्तान टीम की चुटकी लेते हुए कहा कि थोड़ा मनोरंजन पाने के लिए रात भर जागता रहा और वह मुझे मिला भी। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले पाकिस्तानी टीम ऐसे ट्रेनिंग कर रही थी जैसे कि कोई जंग पर जा रही हो, फिटनेस पर खूब ध्यान दिया गया, लेकिन पहले ही मैच में पाकिस्तान हार गई। इसके अलावा मैच में आजम खान के मोटापे को लेकर कुछ फैंस ने पोस्टर के जरिए मजाक उड़ाया था। इसी मैच में आजम खान और एक फैन के बीच बहस भी हुई और विवाद हो गया। मैच के बाद $25 लेकर फैंस के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ एक डिनर प्लान किया गया था जिस पर खूब विवाद हुआ। अब खबर आई है कि अमेरिका से मिली शर्मनाक हार के बाद PCB ने इस प्राइवेट डिनर को रद्द कर दिया है। डिनर रद्द होने के बाद बोर्ड को फैंस के पैसे भी वापस लौटाने पड़ेंगे। अब अगला मैच पाकिस्तान का 9 जून को भारत के साथ है जो बेहद रोमांचक होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, ऐसे और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।